दोस्तों, स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। 103 मिनट का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण 27 को ग्रहण अवधि में दान पुण्य फलदायी। 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण 27 जुलाई को होगा, जो आमतौर पर होने वाले चंद्र ग्रहण से करीब 40 मिनट ज्यादा समयावधि का होगा। वहीं सुपर ब्लड ब्लू मून का नज़ारा भी दिखेगा, ज्यादा चमकीला और बड़ा नजर आएगा चांद। भारत के अतिरिक्त यह चंद्र ग्रहण अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका के मध्य और पूर्वी भाग में दिखाई देगा। रूस के कुछ क्षेत्र में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा अधिक चमकीला और बड़ा दिखाई देगा, जिसे वैज्ञानिकों ने सुपर ब्लड ब्लू मून नाम दिया है। राजाचार्य पंडित प्रकाश चंद जति ने बताया कि संवत 2075 आषाढ़ सुदी पूर्णिमा शुक्रवार को यह चंद्र ग्रहण उत्तरा आषाढ़ श्रवण नक्षत्र व मकर राशि मंडल पर मान्य है। हिंदू धर्म के मतानुसार चंद्र ग्रहण का प्रभाव शुभ नहीं माना जाता। जिन नक्षत्र और राशि वाले जातकों के लिए ग्रहण दर्शन वर्जित है, उन्हें अपने इष्ट देव की आराधना, गुरु मंत्र जप व धार्मिक ग्रंथ का पठन और मनन करना चाहिए, तथा सामान्य दिन से चंद्र ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म 1,00,000 गुना और सूर्य ग्रहण में 10,00,000 गुना फलदायी है। यदि गंगाजल पास में हो तो चंद्र ग्रहण में 1,00,00,000 गुना और सूर्य ग्रहण में 10,00,00,000 गुना फलदायी होता है। इसलिए सभी को चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण के दिन दान पुण्य करना चाहिए, जिसमें साधु संतों के साथ गरीबों को भोजन व वस्त्र दान करना चाहिए तथा गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए, जिससे ग्रहण के दिन विशेष लाभ मिलता है और भगवान की कृपा बनी रहती है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा की रात दिखेगा चंद्र ग्रहण। उन्होंने बताया कि 27 जुलाई को आषाढ़ मास की पूर्णिमा की रात है, इसी दिन खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। इस चंद्र ग्रहण का यम नियम सूतक लगभग 103 मिनट तक होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक दिन में 2:55 बजे से होगा। ग्रहण का स्पर्श रात में 11:55 बजे और शुद्धि काल रात 3:41 बजे होगा। इसे भारत के भूभाग सहित दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, पश्चिम एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में देखा जा सकेगा। राजाचार्य पंडित प्रकाश चंद जति ने बताया कि गोचर में मकर राशि के केतु और चंद्रमा की प्रधानता रहेगी। राहु से समसप्तक दृष्टि संबंध रहेगा, जो अशुभता का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण बहुत सारी प्राकृतिक आपदा से सामना करना पड़ सकता है। पृथ्वी की परछाई के बीच से होते हुए चंद्रमा के सीधे गुजरने से यह इतना लंबा वक्त लेगा। इस कालावधि तक सूर्य से उच्चतम दूरी होने के कारण धरती की परछाई का विस्तार बड़ा हो जाएगा। 15 जून 2011 के बाद यह पहला केंद्रीय चंद्र ग्रहण होगा। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण जनवरी में आया था, अब यह दूसरा पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। राशियों पर रहेगा विशेष प्रभाव। उन्होंने बताया कि चंद्र ग्रहण के कारण कुछ राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा, जिसमें मेष, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण दर्शन लाभ शुभ और सुखद फलदायक रहेगा। वहीं मिथुन, तुला, मकर, कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण का दर्शन अशुभ होगा, उन्हें चंद्र ग्रहण का दर्शन नहीं करना चाहिए। वृषभ, कर्क, कन्या व धनु राशि के जातकों के लिए मिला जुला फलदायक रहेगा।